हेलो रफ्यू, दिस इज़ प्रिंस यादव। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे स्टार मेकर पे हम लोग मल्टीपल आईडी से स्टार मेकर पे फैमिली डिफेंस बैटल गेम खेल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टार मेकर ओपन करना है यहाँ पे एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे स्किप कर ले रहा हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी मतलब जो है शॉर्ट की है कैसे हम लोग डिफेंस बैटल में जा सकते हैं साइड पे। सबसे आसान तरीका जो है आपको सिस्टम इसमें जाना है, इवेंट में, और यहाँ पे लिखा आएगा कहाँ गया। ये देखिए आ गया फैमिली डिफेंस बैटल, यहाँ पे जाना है। और ये देखिए हमें आ गया इंटरफेस, ये देखिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ऑनलाइन वन। तो मिनिमाइज़ हो जाए, मिनिमाइज़ कैसा होता है ये देखिए, ये जो ऑप्शन है आपको मिनिमाइज़ करता है यहाँ से, और डायरेक्ट आप ऐसे इंटरफेस में आ जाएंगे। फिर अपना सेकंड आईडी जो है सरगम एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर से आपको सिस्टम में जाना है, ऑफिशियल इवेंट में। ऑफिशियल इवेंट में जाकर फिर से फैमिली डिफेंस बैटल टच करना है। तो फिर आ जाएंगे, देखिए ये आ गया, देखिए दो आईडी मेरा, एक किंग के नाम से और प्रिंस हैदर। तो फिर से मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद स्टार मेकर लाइट, ये मेरा तीसरा आईडी है। अब यहाँ से भी ये देखिए आ गया, और फिर से ऑफिशियल इवेंट में जाना है, सबसे आसान तरीका, और फैमिली डिफेंस बैटल टच करना है। ये देखिए आ गए हम लोग, फिर से आ गए। तो फिर खेलेंगे कैसे 9 बजे के बाद, सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे आ गए तो डायरेक्ट आप मिनिमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। और हर 1 मिनट में एक बार आएगा 9 बजे के बाद। तो यहाँ से जाना है और चेक इन करना है, यहाँ से इस ऑप्शन को चेक इन करना है, फिर मिनिमाइज़ कर लेना है, फिर सेकेंड आईडी पे जाना है, यहाँ चेक इन करना है, फिर से मिनिमाइज़ कर लेना है, फिर थर्ड आईडी पे जाना है या मिनिमाइज़ करना है, मतलब चेक इन करना है, फिर मिनिमाइज़ कर लेना है। ओके, अगर अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ूंगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।